जो हमारे ये मशीनों के जो हब बने हुए हैं, मशीनें खड़ी करी हैं, चार पाँच गाँव में यहाँ पे मशीनें हैं, दसगढ़ में भी हैं। कई भाई कि सरकार ने इस प्रकार से हमारे उद्योगों से महोदय ने करीब उनको अपनाने के बाद में जो हमने आज डिमॉन्स्ट्रेशन रखा हुआ है, 445 पंचायतें हैं करनाल में, मैं यहीं क्यों आया ये सवाल समझ मुझे मुझे समय दिया गया बोलने का। जब मैंने हमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अगर हमारे अधिकारी गए भी तो सामने अड़ के खड़े हो गए कि हम तो जलाएंगे और हम में से कोई सा सरकार को इस मामले में कॉपरेट नहीं करेगा, तो उसमें जो लिस्ट बनी उसमें कहीं ना कहीं आपका भी गांव पहले दूसरे तीसरे नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला। पिछले साल से सर मैंने ये सारे जो इम्प्लीमेंट हैं सब लिए हुए हैं और इनका बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है इनका। जैसे ये प्लो है, प्लो जैसे ज़मीन हमारी नीचे जो है पानी नीचे लेती नहीं थी, पानी प्लो लगाने से पानी बहुत नीचे खींच रही है ज़मीन और उसमें पैदावारी की फ़र्क पड़ रहा है, पैदावार भी बढ़ रही है। तो जैसे पराली है, पराली नीचे बीच में गलेगी, उसमें भी जो यूरिया हमें नाइट्रोजन कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना जी, तो पैदावार ज़्यादा होगी। तो बहुत बहुत फायदा मिला सर हमें। तो और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सभी किसान भाई जो हैं पराली को आग ना लगाएं और अपना इन चीज़ों का प्रयोग करें, अगर अपनी नहीं भी है तो उसको किराए से करवा लें, करवा के और ये चीज़ें जो हैं इनका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। कुलविंदर सिंह जी, गाँव संगोई से। देखिए, क्योंकि इस समय जीरी कटाई का समय है और करनाल एक ऐसा ज़िला है जहाँ काफ़ी बड़े एरिया में जीरी की पैदावार होती है और पिछले कई सालों से इस तरह की शिकायतें रही हैं कि पराली जलाने से संबंधित जो प्रदूषण होता है जिससे यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को भी काफ़ी समस्याएं रहती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी रहती हैं, इस तरह की कई समस्याएं सामने आई हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों को जो फार्म मशीनरी है वो देने की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें एक समूह बनाकर भी, जिसको हम कस्टम हायरिंग सेंटर कहते हैं, या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इस तरह की मशीनों को कृषि विभाग के पास आवेदन करके भारी सब्सिडी के साथ लिया जा सकता है। उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ करनाल के संगोही संगोहा गांव है उसमें आए हैं, जहाँ किसानों ने जो मशीन ली गई हैं कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से, उनका आज डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। आपने भी उसको भली भांति यहाँ देखा और एक मत यहाँ के सभी किसानों ने बनाई है कि इस बार हम अपने जो फसल के अवशेष हैं उनको नहीं जलाएंगे और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से या जिन्होंने खुद मशीनरी खरीदी हुई है वो इन मशीन का उपयोग करते हुए अपने जो बचे हुए फसल अवशेष हैं उनको ठीक से व्यवस्थित करते हुए उनका प्रबंध करेंगे। इसी तरह का कार्यक्रम करनाल के सभी गाँव में होगा, जहाँ पर हमारे पंचायत विभाग और जो भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो कृषि विभाग के अधिकारियों के गाइडेंस के साथ वहाँ किसानों से जाएंगे, आग्रह करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि पिछले 2 सालों से, 2016 से अगर हम आज 2019 में देखें तो हमारे यहाँ ज़िले में ही लगभग 45% गिरावट आई है फसल अवशेष जलानों की शिकायत को लेकर। तो इतना 2 सालों में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, मुझे आशा है कि इस बार भी हम उसी रेट को ध्यान में रखते हुए लगभग 100% कंप्लायंस करेंगे और हमारे ज़िले में इस तरह की फसल अवशेष जलाने की शिकायतें नहीं आएंगी। सर, अगर फसल अवशेष जलाते हैं तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं मेरा उद्देश्य कार्रवाई का नहीं है, उद्देश्य है लोगों को समझाने का और समझाने में हमारी तरफ से किसी तरह की जो जो प्रयास किए जाने थे सभी किए गए हैं। उसके बाद भी अगर कहीं शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें राज्य सरकार के जो फाइन्स हैं और FIR कराने के भी प्रावधान हैं उनको ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, मशीनरी भी दी जा रही है और मेरा मानना है कि हमारे ज़िले के लगभग सभी किसान इस स्कीम को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, परंतु फिर भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, FIR भी होगी और फाइन भी मोटा लिया जाएगा। सबकी बनेगी मीडिया।
मीट ले तो नौरी छोड़ जाए।